लेट मी डू वन थिंग। किया मुझे संडे को, क्यों और मैंने नहीं किया नहीं किया है? अच्छा सर। मैं आपको आज सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आज कर दीजिएगा और अगली बार से मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। संडेज के दिन मुझे मिल जाना चाहिए अपडेटेड। सॉरी सॉरी। एंड अभी के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि यू गाइज हैव टू नोट दीज रिएक्शंस डाउन। इसमें से दो तीन रिएक्शंस मैं अभी दो डिस्कस करूंगा एंड देन रेस्ट ऑफ जो होंगे दैट यू विल बी डूइंग इन ब्रेक पीरियड 10 to 11:45। जो ब्रेक रहेगा उसमें आपको करना है। Once we reassemble, I will actually cross check it with you guys. क्या सॉल्व किया, किसमें क्या मिला आप लोगों को, कौन सा सॉल्व नहीं हुआ, एंड ये लिखवाने के बाद आई विल बी स्टार्टिंग विथ सम अदर सब टॉपिक। एंड इन द मीन टाइम मैंने जो सीट भेजी थी उसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व देम। अच्छा एक सेकेंड, सिर्फ बैलेंस ही मत करना इसमें, मतलब बेसिकली बैलेंसिंग के साथ साथ आपको एक चीज और भी बतानी है मुझे। व्हाट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज इट? ठीक है, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई, इनफैक्ट इट शुड हैव बीन आइडेंटिफाई द टाइप एंड मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आप लोग वो चीज अपेंड कर देना लास्ट में।
एक सेकेंड, ये वाला हमने कर लिया है, दूसरा ये किया। हेलो सर, सर आई वांट टू सी द लास्ट क्वेश्चन। अरे वो दिखाता हूँ, मुझे पहले देख लेने दो कौन कौन से एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं, सो दैट आई विल नॉट रिपीट देम। ये वाला हमने कर दिया, सो आई नीड टू रिप्लेस इट। आप लोग ये थर्ड वाला मत करना, थर्ड वाला ऑलरेडी कराया हुआ है। इसके बदले में यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसको आप लोग नीचे में नोट कर लो या फिर रहने दो। एक काम करो, इसको यहीं पे रहने दो, मैं नीचे ही लिख देता हूँ, उसको करना मत। थर्ड वाला कराया हुआ है मैंने, एंड थर्ड वाले के अलावा एक और कराया हुआ है, तो I2NO3 एंड H2Cl, सो यू डोंट हैव टू डू थर्ड एंड फोर्थ वन। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ आपको नहीं करना है। बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन डन।
So Sb is symbol of which element? Antimony. देखो तीन रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. दीज आर समथिंग जिससे तुम लोग आगे के लिए कुछ डिड्यूस कर सकते हो. मैं बता देता हूँ इससे क्या इन्फ्लुएंस हम डिड्यूस कर सकते हैं. What I wanted you guys to figure out is ये तीन oxidizing agents हैं हमारे पास MnO4, Cr2O7, I2, ठीक है. सल्फर इन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 को ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं सल्फेट में. तीनों के तीनों ही सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है. इसका मतलब कैन आई these three are better oxidizing agent than sulfate ions or not? ये आपको बताना है मुझे. जस्ट सोच के थोड़ा सा बताओ. ये तीनों सल्फर को +4 स्टेट से +6 स्टेट पर सल्फेट फॉर्म में लेकर के आ जा रहे हैं. नाउ माय आर्गुमेंट इज these are better oxidizing agent than sulfate. Will it be true or not?
हेलो। यस सर। हाँ क्या हुआ? अच्छा सर आई थिंक इन फर्स्ट केस इट विल बी लेस। इन फर्स्ट केस इट विल बी लेस, और बाकी सारे केसेस में? हाँ जी, बाकी सारे केसेस में क्या होगा? सर योर क्वेश्चन वाज जो SO3 SO2 है वो SO4 से ज्यादा SO42- सल्फेट आयन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसका है। इट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन ये SO3 तीनों है। एसओ सल्फेट अच्छा इससे तो ऑब्वियसली ज्यादा है, तभी इसको कर पा रहा है ना, नहीं तो ये कर देता इसको। अच्छा बट खैर ये तो हो ही नहीं सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग फर्दर ऑक्सीडाइज। सर इन टू मतलब फर्स्ट और सेकंड केस में सर सर इट इज मतलब जो पहले टर्म्स हैं MnO4 और Cl2O7 Cr2O7 सर वो मतलब SO4 से बेटर है और लास्ट केस में सर स्टिल फाइंडिंग। बाकी लोग सो फर्स्ट वाला यस है तो सेकंड थर्ड फाइन पर फाइंड कर लो सारे, फिर बताना। सर इन द लास्ट वन सर H+ विल कम और H- कहाँ पे? कहाँ सर 19 पे सर वो क्वेश्चन नंबर 19 पर H+ रहेगा, वो गलती से प्लस साइन रहना देना छूट गया, माइनस हो गया। H- का भी, H- एक्चुअली बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है और वो H- के फॉर्म में कभी रह ही नहीं सकता है। वो इनफैक्ट उसके पास में वाटर भी आएगा तो उससे H+ लेकर के वो फटाफट H2 बन जाएगा। सर वो इधर H2SO4 है कि सिर्फ H है HSO4 HSO4-, और ये H+ है तो मिल करके H2SO4 बन जाएगा। बट चूंकि इस तरफ ये आयंस के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए इसको HSO4- एंड H+ लिखा हुआ है।
sir, in the last case, so for 2 minus is a better option than I. Last one, I वाले के case. Yes, I वाले के case. क्यों? अच्छा चलो क्यों के ऊपर मैं आता हूँ. तुम लोगों ने अपना decision बना लिया है ना, mind बना लिया है ना. I'll come to them. और लास्ट टू आर माइनस ये वाला रिएक्शन याद भी रखना. बहुत काम का रिएक्शन. एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है यहाँ पर हैलाइड्स का, और ये सिर्फ इसी का नहीं होता है, हर हैलाइड का होता है. ठीक है, क्लोरीन भी होगा, आयोडीन भी होगा, क्लोरीन को छोड़ के, और सेम रिएक्शन फॉलो करता है. Br2 plus OH minus Com. थोड़ा सा हीट दे दो, it will become BrO. 3 minus plus Br minus H2. ठीक है, डाइल्यूट वाले पे. पर में कौन सा फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है? किस में? क्वेश्चन नंबर 24. As2S5. ठीक है, do this much and we'll be done. Coming back to redox reactions होंगे तो definitely that there will be change of oxidation state. The reactant will be in a different oxidation state and the product will be in a different oxidation state. ठीक है, but it is जैसे वहां पर है कि stability के हिसाब से हम देखते हैं. यहाँ पर stability का एक parameter जो होगा वो ये होगा कि किसकी oxidizing tendency ज्यादा है या किसकी reducing tendency ज्यादा है. तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट, एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने से कम एक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या लेस स्ट्रॉन्गर या फिर हम वीकर बोल सकते हैं, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जनरेट करेगा. ठीक है, कभी भी वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी एंटिटी को ऑक्सीडाइज करके अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरेट नहीं कर सकता है. मेकिंग सेंस सर? आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करें. हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि इफ वी हैव एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इट कैनॉट ऑक्सीडाइज एनीथिंग, कुछ भी यहां पर हो उसको ऑक्सीडाइज करके इट कैन नॉट जनरेट अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इट. ठीक है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को जनरेट करने के लिए मुझे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई का हेल्प लेना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे जिससे मैं इसको किसी एक्स वाई जेड से रिएक्ट करके और उन एक्स वाई जेड का से रिलेटेड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाओ विच इज गोइंग टू बी मोर
or it is going to be a stronger oxidizing agent than MnO4, Cr2O7 and I2. ठीक है, यानी ये जो भी यहाँ पर लेंगे हम A ले रहे हैं, A ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे कोई X ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है, तो X कैन बी स्ट्रॉन्गर देन A इफ एंड ओनली इफ यू हैव सम एक्सटर्नल पावर सप्लाई विच इज क्रिएटिंग दैट चेंज. MnO4 और दैट A, ठीक है, वॉट एवर दैट A मे बी, इट कैन नेवर जेनरेट अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इटसेल्फ. ठीक है, हमेशा अपने से कम ऑक्सीडाइजिंग, कम स्ट्रॉन्गर, दैट इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को जनरेट करेगा. दैट इज द लॉ ऑफ नेचर. एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो एक एसिड रिएक्ट करके दूसरा एसिड बना सकता है, बट हमेशा अपने से वीकर एसिड बनाता है, अपने से स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बनाएगा. जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो हमेशा वीकर एसिड क्रिएट करेगा इन अ रिएक्शन. ठीक है, it can never happen that a weaker acid is reacting with something and producing a stronger acid. ठीक है, the natural way is a stronger acid may react with something to produce a weaker acid. Am I making sense? Sir, it is already there in nature. मतलब ऐसा ही होता है या फिर इसके लिए कोई reason? ये हो ऐसा ही होता है. The reason is what you are going to read later on. But this is the natural way. ठीक है, stronger acid किसी भी चीज के साथ react करके हमेशा अपने से weaker acid बनाएगा. ठीक है, similarly stronger oxidizing agent किसी भी चीज के साथ react करके हमेशा अपने से weaker oxidizing agent generate कर सकता है, अपने से stronger oxidizing agent कभी generate नहीं कर सकता है. ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि सल्फेट आयन जो है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MnO4 माइनस, डाइक्रोमेट आयन एंड I2, ऑल ऑफ देम. ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या है ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे रिएक्शंस ना, वी आर गोइंग टू सी मेनी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अब उसमें क्या है, जो काम जहां पे सल्फेट आयन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर सकता है उन सारे जगह पे ये तीनों भी एक्टिवली काम कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है? यस सर. तो अगर हमको ये बोल दिया जाए कि सल्फेट आयन इज डूइंग दिस वर्क और ऑक्सीडाइजिंग दिस टू समथिंग एल्स, दैट मींस दीज थ्री आर गोइंग टू बाय डिफॉल्ट गोइंग टू डू दैट वर्क. Am I making sense? Sir, I didn't understand this. अरे ये weaker है, ये stronger है तीनों. तो जो oxidation का काम ये weaker वाला कर सकता है वो stronger वाले तो कर ही सकते हैं ना. मतलब कोई oxidation करना है and if this is capable of doing that, then these things are definitely going to do that. You may or may not be given that explicit information. बात समझ में आ रही है? ठीक है सर. ये बोलो, सिर्फ सिर्फ मतलब रेडॉक्स के लिए होगा क्योंकि उधर नॉन रेडॉक्स में हम लोग ऑक्सीडाइज मतलब उसका इलेक्ट्रॉन चेंज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब आइडेंटिफाई नहीं होता. दूसरा होता है वहां पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आई टीच यू देयर इज समथिंग कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसके बेसिस पर देखते हैं. यहाँ पर भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर भी देख सकते हैं और साथ में ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बेसिस पर भी देख सकते हैं. यहाँ पर एक टूल हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, वहां पर सिर्फ एक ही चीज होता है, वो होती है स्टेबिलिटी. ठीक है, तो वहां पे सिर्फ हम लोग स्टेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं नॉन रेडॉक्स केसेस में. Redox cases में you have one extra tool and you tend to visualize it from that particular aspect also. Sir, while forming compounds from new from free state to a compound, फिर सर उसमें जो
फ्री एलिमेंट्स होते हैं वो तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, और कंपाउंड्स हमें फॉर्म करना होता है तो सर जो कंपाउंड्स हम लोग फॉर्म करेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा होगा, और फ्री स्टेट का ज्यादा होगा हमेशा ज्यादा क्यों होगा? जैसे यहाँ पर देखो ज्यादा नहीं हो रहा है, कम हो जा रहा है, आई टू से आई माइनस का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जीरो से माइनस वन हो गया ना, हमेशा ज्यादा ही होगा ऐसा किसने बोला? नहीं सर मतलब हाँ चेंज होगा जीरो से आगे पीछे, हाँ चेंज होगा, हाँ बोलो फिर? तो फिर सर मतलब इस बेसिस पे जो प्रोडक्ट आएगा हाँ मतलब ज्यादा मतलब इट इज रिएक्टिव नहीं, उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, अब I2 अगर रिड्यूस हो रहा है I माइनस में, ठीक है, तो I2 is getting reduced into I minus, fine, and ये reduce हो रहा है मतलब ये किसी को oxidize कर रहा है, this one is getting oxidized, ये oxidizing agent है, that means I2 is a better oxidizing agent than ये thiosulfate ion. I2 reduce हो रहा है I minus में, that means it is a oxidizing agent and this is getting reduced, तो ये reducing agent, sorry this is getting oxidized, that means this is a reducing agent, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि I2 जो है वो better oxidizing agent है and thiosulfate जो है वो better reducing agent, sorry reducing agent है कि नहीं better ये हम नहीं बोल सकते, बट इन दोनों के कंपैरिजन में दिस इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट वी कैन डेफिनेटली टेल. ओवरऑल में ये अच्छा है कि बुरा है नहीं पता, बट रिलेटिवली ये ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तभी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है. इज दैट ओके? Yes, sir. Okay. Chalo. Let us pick 3-4 examples and let me solve it for you guys. Ek example, ye wala le leta hoon main. Sir, isse matlab ye balancing mein hum log dono jo aapne do pehle method diya tha, ek oxidation oxygen hydrogen wala aur dusra ion electron method. सर उसमें से दोनों राइट ही है ना, मतलब दोनों में से कोई एक ही, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, कहीं पर आपको ये मेंशन करके नहीं दिया रहेगा कि यही वाला यूज करना है, ठीक है? यस सर. और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, जब तक पूरा लिख के ना करना हो ना, ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली मिक्स मैच थिंग्स. मैं बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये फोर्थ स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड का जो है दैट इज समटाइम्स इजियर टू हैंडल, ठीक है, कंपेयर टू आयन इलेक्ट्रॉन, यस आयन इलेक्ट्रॉन वाले का ऐसा जनरली मतलब काफी टाइम लगता है बच्चों को, ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली अडॉप्ट दैट, मतलब आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड का स्टेप फोर को आयन इलेक्ट्रॉन के स्टेप थ्री करने के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो ना, तभी आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो सेम आएगा और वो सही रहेगा. सो फॉर लाइक एमसीक्यूज की बैलेंसिंग के लिए यू मे नॉट नीड टू बॉदर कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, यू कैन यूज आइदर और मेथड या यू कैन चूज एनी वन ऑफ दैट. You just सर आयन इलेक्ट्रॉन में आपने बोला था कि जो ऑक्सीजन बैलेंसिंग के वक्त और चार्ज बैलेंसिंग के वक्त हाइड्रोजन खुद ही खुद बैलेंस हो जाता है. हाँ. तो सर उसमें जो मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में सिर्फ चार्ज बैलेंसिंग नहीं होता, इसलिए हम लोग को हाइड्रोजन जो है बैलेंस करके खुद राइट वहां पे खुद चार्ज बैलेंस हो जाता है और यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन बैलेंसिंग से चार्ज खुद बैलेंस हो जाता है, यहाँ पर और चार्ज बैलेंसिंग से हाइड्रोजन खुद बैलेंस हो जाता है, ठीक है.
वी हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग नाउ. नहीं आप लोग को करना है क्या? ठीक है yes, एक करो. अरे एक वैरायटी मैंने एक भी रिएक्शन नहीं दिया है. एक रिएक्शन और नोट कर लो. ये सेकेंड वाला करना, फर्स्ट वाला बाद में कर लेना. फर्स्ट वाला इंटरमोलिक्यूलर है, दैट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट अ पेन फॉर यू. सेकेंड वाला पहले करो. एक पर्टिकुलर टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है मैंने. बेसिकली इंट्रामोलिक्यूलर जो है ना वो एक भी नहीं दिया है. आई नीड टू गिव एटलीस्ट टू इंट्रामोलिक्यूलर. यानी डिकम्पोजिशन वाला जो बैलेंसिंग था ना, वैसे तो वो आता ही है आप लोगों को, मतलब कर पाओगे, बट इट्स बेटर आई गिव इट. आई मस्ट नॉट अज्यूम एनीथिंग राइट. एक्चुअली एक तो बता ही चुका हूं मैं. अरे अमोनियम डाइक्रोमेट का भी डिकम्पोजिशन बताया था मैंने ना. ये सब बता ही चुका हूँ मैं. सर अमोनियम डाइक्रोमेट का? हाँ सर नहीं बताना था. नहीं NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 गिविंग अस N2H2O प्लस Cr2O3. ये बताया था बैलेंसिंग में मेरे ख्याल से. एन फैक्टर जब कैलकुलेट कर रहे थे तो आई थिंक सो. इंट्रामोलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर डाइक्रोमेट नहीं बताया. वेरी गुड वेरी गुड. मैडम नहीं बताया तो अच्छी बात है. नहीं नहीं बताया हुआ है. सारे ही करा दिए थे यहाँ पे. दैट इज रॉन्ग. सारे नहीं कराने थे. मुझे ढूंढना पड़ेगा. एक्चुअली इनकी बैलेंसिंग ऑलरेडी हो ही गई है और कुछ अलग से बैलेंस इनमें करना ही नहीं है. बाकी के एक्स्ट्रा आयंस जो होते हैं ना, अगर कोई एक्स्ट्रा एटम्स है तभी बैलेंस होते हैं. जनरली इसमें होता नहीं है. सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं तो एक्स्ट्रा बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है. ठीक है और इस टाइप में ठीक है, रहने दो. फिर इस टाइप का कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. Mostly all the reactions has been done. जितने आपको चाहिए वो सारे हो चुके हैं. और ये वाले टाइप का एक ये वाले को अटेम्प्ट कर लो. सेकेंड वाले को अटेम्प्ट कर रहे हो? This is disproportionation type, so you will get an idea of it.